तो भाई रिलेशनशिप में जब थर्ड पर्सन आ जाए, सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरी हालत और सबसे बुरी सिचुएशन वही होती है जब आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। अब आप ऐसे में क्या करें जब आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए? मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी थर्ड पर्सन से बात करती है, आपके हिस्से का टाइम वो किसी नए इंसान को देती है, उसके साथ ज़्यादा बात करती है, आपको इग्नोर करती है, उसको इम्पोर्टेंस देती है, आपको ऑप्शन पे रखती है। मेरे दोस्त, अब आप कोशिश करते हो उस थर्ड पर्सन को उसकी लाइफ से निकालने की, वापस आपके और आपके गर्लफ्रेंड की बॉन्डिंग को सही करने की। उस थर्ड पर्सन को आप निकालने की कोशिश करते हो, आप उससे लड़ते हो, आप उससे झगड़ते हो, बहुत सारी कोशिश करते हो जिससे वो थर्ड पर्सन उसकी लाइफ से बाहर हो जाए। आप बोलते हो उसको ब्लॉक कर दे, आप बोलते हो उसको अनफ्रेंड कर दे, उससे बात करना छोड़ दे, एक्स वाई जेड, आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हो जिससे वो उससे बात करनी छोड़ दे और वापस पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। लॉजिकली समझो इस चीज़ को मेरे दोस्त। अब आपकी गर्लफ्रेंड किसी थर्ड पर्सन को टाइम दे रही है, समझ रहे हो ना? एक थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गया और आपकी गर्लफ्रेंड उसको टाइम दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है, उसकी केयर कर रही है। एक तरह से वो थर्ड पर्सन आपकी गर्लफ्रेंड के लिए प्रायोरिटी पे, क्यों? क्योंकि वो आपके हिस्से का टाइम काट कर उसको दे रही है, आपकी इंपॉर्टेंस को डाउन कर कर उसको इंपॉर्टेंस दे रही है, यानी कि उसकी लाइफ में उसकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू डाउन हुई है क्योंकि आपके लिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मेरे दोस्त, अब आप इस चीज को फोकस करो कि आपको उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है कि तू उससे बात करनी बंद कर दे, आपको अपना झोला बिस्तर उठाकर इस रिलेशनशिप को सामने से खत्म करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, भाई आप रिलेशनशिप के खिलाफ हो, आप रिलेशनशिप को गलत बता रहे हो। मेरे दोस्त, एक बात को समझो, जो लड़की आपके हिस्से का टाइम काट कर किसी थर्ड पर्सन को दे रही है, आपकी इंपॉर्टेंस को डाउन कर कर किसी और को इंपॉर्टेंस दे रही है, वो क्या इन फ्यूचर में आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगी? क्या वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी? जाएगी ना। आज नहीं जाएगी, 2 महीने बाद जाएगी, तो 2 महीने बाद होने वाला काम क्यों ना आप कर दो। 2 महीने आप उसको सहोगे, 2 महीने बाद आप रोओगे, हो सकता है आप अभी समझ जाओ, 2 महीने तक आप बेहतर समझ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी बात को मेरे दोस्त। जो इंसान आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के पास जा सकता है, आपके हिस्से का टाइम किसी और को दे सकता है, तो वो आपसे ब्रेकअप भी कर सकता है, आपको छोड़ के भी जा सकता है। आपको ऐसे में लड़ना नहीं है, बात बंद कर दे, उसके साथ ये मत कर, उसको ऐड मत कर, ये इन सब बोल के कुछ नहीं होना है। उसको भी तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मैं गलत कर रही हूँ, बॉयफ्रेंड होने के बावजूद किसी थर्ड पर्सन को मैं टाइम दे रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन के साथ मैं घूम रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन के साथ मैं बातें कर रही हूँ। उसको भी तो दिखता होगा कि ये लॉयल्टी है। और ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना जो आपके हिस्से का टाइम काट कर आपकी इंपॉर्टेंस को डाउन कर कर किसी थर्ड पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रही है, क्या समझदारी है मेरे दोस्त? ये तो वही बात होगी कि मुझे पता है मेरा कटेगा, लेकिन मुझे कटवाने का शौक है। मेरे दोस्त, अगर आपको कटवाने का शौक है, बनवाने का शौक है, तो इस चैनल को छोड़ दो, चले जाओ उस चैनल से, भाग जाओ, दौड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चैनल में मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा, मेरे को घुमा फिरा के बात करने का मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। मुद्दे की बात करो, जब वो आपके हिस्से का टाइम किसी और को दे रही है, आपको छोड़कर किसी और से बात कर रही है, तो क्या फायदा ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का? क्या फायदा उससे लड़ने का? क्या फायदा उसका झगड़ने का? आज झगड़ के उस थर्ड पर्सन को निकाल दोगे, 2 महीने बाद कोई नया थर्ड पर्सन आएगा, फिर रोओगे, फिर गिड़गिड़ाओगे, फिर आंसू बहाओगे। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, वो आपके साथ नहीं रह सकती, उसका दिल आपके साथ नहीं अटक रहा, ये कोई प्यार नहीं करती आपसे, जस्ट टाइम पास कर रही है। और अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है उसके साथ रहना, तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, और बुरी लग रही होंगी तो डिसलाइक जरूर मारना। और अगर मेरी बात समझ आई होगी, मेरा लॉजिक समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।